नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और मजेदार चीज और होने वाली है बहुत ही कमाल की। दोस्तों बचपन में आपने टॉफी वगैरह काफी ज्यादा खाई होगी, तो बहुत सारी टॉफीज यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ और अपन इस वीडियो में करने वाले हैं कि दोस्तों मैं लेकर आया हूँ 1 रुपीज की टॉफी। 1 रुपीज वाली दोस्तों जितनी मार्केट में टॉफीज मिलती है लगभग मुझे जो जो मिली है वो मैं सारी यहाँ पर लेकर आया हूँ और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बचपन में आपने खूब सारी टॉफीज खाई होगी दोस्तों, और कौन कौन सी टॉफीज आपने खाई है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों जो टॉफी नहीं खाई है और जो मेरे पास टॉफी नहीं है वो भी आपको दोस्तों वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा, तो कमेंट में भी आप जरूर बताना। तो अब बात करने वाले हैं यहाँ पर 1 रुपए के अंदर कितनी सारी टॉफीज आ सकती है। मार्केट से मैं लेकर आया हूँ वही आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो पर बने रहिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना। तो फटाफट से यहाँ पर टॉफी की थैली में निकालता हूँ और उसमें कितनी सारी टॉफीज में लेकर आया हूँ, सारी अलग अलग तरह की है। सेम टॉफीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल अलग अलग आपको कैटेगरी यानी कि 1 रुपए के अंदर कितनी चॉकलेट्स आती है वो सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट से आपको यहाँ पर बताते हैं कि कौन कौन सी चॉकलेट 1 रुपए के अंदर में लेकर आया हूँ और कौन कौन सी मिस हुई है वो आपको कमेंट में जरूर बताना है। तो गाइज ये रही है यहाँ पर अपनी सारी टॉफीज जो मुझे 1-1 रुपए के अंदर मिली है, वो सारी टॉफीज यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ और डबल डबल लाया हूँ दोस्तों। तो पहले इनको मैं यहाँ पर अलग कर लेता हूँ ताकि आपको यूँ नहीं लगे कि सेम सेम टॉफी बता दी। तो एक बार इसको सारी टेबल पर अपन खाली कर देते हैं और ये रही अपनी सारी टॉफीज, इसमें जो जो डबल है उनको अपन एक बार अलग डाल देते हैं। जैसे मैं एक बार अलग कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ कौन कौन सी टॉफीज यहाँ पर अपन लेकर आए हैं और 1 रुपए में कितनी सारी टॉफीज अपन को मिली है। तो गाइज ये रही अपनी सारी टॉफीज, अब मैं आपको इसमें से 1-1 टॉफीज बताता हूँ जो आपने बचपन में भी काफ़ी खाई होगी। सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं तो ये आपको दिख रही होगी कोकोनट मस्ती, सिर्फ 1 रुपए की टॉफी है कोकोनट वाली, और ये आपने खाई है या नहीं खाई है वो कमेंट में जरूर बताना। और उसके बाद अपन बात करते हैं अगली टॉफीज की, तो यहाँ पर ये आपको दिख रही होगी इसकी इलायची क्रीम नायरा, ये भी सिर्फ 1 रुपए की है और ये टॉफी भी आपने अगर टेस्ट की हो तो आपको जरूर कमेंट में बता देना। उसके बाद अगली टॉफी की अगर अपन बात करें तो मेलोडी, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, काफ़ी अच्छी चॉकलेट आती है, सिर्फ 1 रुपए में आती थी और बचपन में मैंने भी खूब खाई है। उसके बाद अपन बात करें इक्लियर्स, तो ये भी आपने खाई होगी, 1 रुपए की टॉफी है। और अगली अगर अपन यहाँ पर बात करें तो ये वीटो यानी कि विक्स टाइप की आपको टॉफी देखने को मिल जाएगी और कूल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ड्रॉप टाइप की है और इसमें थोड़ा अदरक का टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपने ये चीज़ तो बहुत खाई होगी जब आप छोटे थे, लॉलीपॉप, सिर्फ 1 रुपए की है दोस्तों, ज़्यादा की भी आती है लेकिन अपन अभी 1 रुपए की टॉफी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ 1 रुपए की टॉफी की बात करेंगे। उसके बाद आपको ये कूल ड्रॉप, ये अलग फ्लेवर है, पहले मैंने बताया था वो थोड़ा अलग था, ये हनी फ्लेवर है, पहले जिंगर फ्लेवर था। उसके बाद अगर अपन यहाँ पर बात करें एक और, तो ये आप देख सकते हो इसका नाम आपको दिख रहा होगा जिंगल्स मैक्सी, तो ये भी काफ़ी अच्छी टॉफी है, अगर आपने खाई हो तो जरूर से बता देना। अब अगली अगर यहाँ पर मैं टॉफी की बात करूँ तो ये आपको स्वाद नाम से आएगी और थोड़ी खट्टी मीठी टॉफी आपको देखने को मिल जाएगी और ये आपके वहाँ पर मिलती है या नहीं मिलती है वो भी जरूर से बता देना। काफ़ी सारी टॉफीज़ मुझे मिल गई थी, एक ही शॉप पर मिल गई मुझे तो मैं वहाँ से ले आया। और ये जस्ट जेली, ये भी आपने ज़रूर खाई होगी, जॉय जेली के नाम से आती है और सिर्फ 1 रुपए की मार्केट में मिलती है। उसके बाद अगले नाम की अगर बात करें तो ये आपको जिंगल्स मैक्स, ये भी अभी आपने देखा होगा वो थोड़ा अलग फ्लेवर था और ये थोड़ा अलग फ्लेवर आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पर इस टॉफी की, ऑरेंज टॉफी की, तो ये इसमें देख सकते हो आप यहाँ पर क्लियर कैंडी और ऑरेंज फ्लेवर आपको देखने को मिलेगा। ये सेंटर फ्रेश टाइप की टॉफी है, फ्रेश फ्रूट नाम से आती है और सेंटर फ्रेश के जैसी चिंगम वगैरह आती है उस टाइप की आती है। और ये स्केटर्स क्लियर कैंडी, इसका आपको दोस्तों स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मिलेगा, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया था वो ऑरेंज फ्लेवर था। और अगली बात करें तो ये आपको बुलेट देखने को मिलेगी यानी कि गोल्ड टॉफी आती है, चॉकलेट टाइप का फ्लेवर इसमें आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी काफ़ी अच्छा चॉकलेट आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कोकोनट मस्ती की, तो ये अभी आपने टॉफी देखी होगी, सेम ही टॉफी है तो थोड़ा फ्लेवर अलग है, बाकी लगभग सेम टॉफी आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इसकी, ये काफ़ी टेस्टी टॉफी आती है दोस्तों कोकोनट क्यूब नाम से, और इसको अगर आप खाओगे तो दोस्तों भूल ही जाओगे। 1-1 रुपीज की टॉफी अपन यहाँ पर लेकर आए और ये टॉफी काफ़ी बड़ी लग रही है लेकिन मुझे 1 रुपए में मिली है टफल ट्विस्ट, तो किस तरीके का टेस्ट है इसे मैं खा के भी आपको ज़रूर बताऊँगा।
ये टॉफी तो आपने जरूर ही खाई होगी दोस्तों। ये पल्स है, पल्स आपको दोस्तों पता ही होगा कैसी टॉफी आती है। थोड़ा मैंगो फ्लेवर आता है और अंदर दोस्तों थोड़ा इसमें मसाला वगैरह भी भरा हुआ आता है, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आपको लगता है। उसके बाद आपको ये सुपर मिंट दिखाई दे रही होगी, थोड़ी विक्स टाइप की आती है और मुँह थोड़ा ठंडा हो जाता है इस टॉफी से, तो ये भी 1 रुपीज़ की टॉफी है। उसके बाद बात करते हैं कॉफ़ी बाइट। कॉफ़ी बाइट भी आपने खाई होगी, ये थोड़ी अलग टाइप की कॉफ़ी बाइट है। बाकी एक दूसरी कॉफ़ी बाइट भी आती है, तो ये भी आपने खाई है या नहीं खाई है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देख सकते हो 1 रुपये में खाली इतनी सी ऑर्बिट आती है, और आप देख सकते हो बाकी बड़ा ऑर्बिट का पैकेट भी आता है, लेकिन अपन यहाँ पर सिर्फ 1 रुपीज़ की टॉफ़ी की बात कर रहे हैं। कौन कौन सी आपको 1 रुपीज़ में मिल सकती है वो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। और अगली वीडियो अगर आपको 2 रुपये की टॉफ़ीज़ पर भी चाहिए तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए बना दूंगा। उसके बाद बात करते हैं कैंडी बॉम। ये कैंडी बॉम मैंने कभी नहीं खाया, इसे भी मैं खा के टेस्ट करूँगा किस टाइप का लगता है। ये देख सकते हो नायरा एफ बोन, ये भी 1 रुपये की टॉफ़ी है, इसे भी खाकर टेस्ट करेंगे कैसा लगता है। और ये फ्लेवर थोड़ा अलग है वही नायरा एफ बोन, लेकिन इसमें फ्लेवर अलग आपको मिल जाएगा। और एक फ्लेवर आपको ये भी देखने को मिल जाएगा, थोड़ा अलग फ्लेवर है, 3 तरह की है लेकिन फ्लेवर अलग है। मैंगो बाइट, ये आपने बचपन में ज़रूर खाई होगी, काफ़ी अच्छी टॉफ़ी है। और अगर आपने खाई है नहीं खाई है वो कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ये चाइको और लास्ट टॉफी की। तो दोस्तों आपने चाइको यानी कि इसका नाम से ही पता चल रहा है, चाइको यानी चाय फ्लेवर आपको इसमें देखने को मिलेगा। किस तरीके की टॉफी है मैं खा के आपको ज़रूर बताऊंगा, और आपकी सिटी में मिलती है तो आप भी इसे खा के ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। तो कौन कौन सी टॉफ़ी दोस्तों यहाँ पर रह गई है 1 रुपीज़ के अंदर, वो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करना, आपके लिए वो टॉफ़ी मैं अगली वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया 1 रुपीज़ की चॉकलेट के बारे में। अगर आपने बचपन में ये चॉकलेट खाई होगी तो आपकी बचपन की यादें भी ताज़ा हो गई होगी। आज की इस वीडियो में मैंने आपको दोस्तों 1 रुपीज़ की, आप देख सकते हो इतनी सारी चॉकलेट्स मैं मार्केट से लेकर आया हूँ, और ये सारी चॉकलेट्स के मैंने आपको नाम वगैरह भी बताए। तो आपको वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों इस टाइप का अगर आपको वीडियो और चाहिए, यानी कि दोस्तों 1 रुपीज़ की वीडियो हो गई और कौन सी चॉकलेट मिस हो गई वो आप कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको चाहिए 2 रुपीज़ की कौन कौन सी चॉकलेट्स मार्केट में आती है और आपने कौन कौन सी खाई है, अगर उस पर भी वीडियो चाहिए कमेंट कर देना। अगर आपको 5 रुपीज़ की वीडियो चाहिए, 10 रुपीज़ वाले कितनी चॉकलेट्स मार्केट में अवेलेबल है, वो सारी मैं वीडियो बना दूंगा। बस दोस्तों हमारी मेहनत के लिए आपको एक लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे इसी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।